मंगल की मिट्टी में कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद है जिसने उसके वायुमंडल को सोख लिया। मंगल की मिट्टी उसकी विनाशक बन गई और जीवन खत्म हो गया। वेलकम बैक। मार्स पर भी कभी जीवन हुआ करता था। उसकी मिट्टी आज की तरह बंजर नहीं थी। इस बात की पुष्टि नासा के परसेवरेंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर कर चुके हैं। मंगल ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था। इस पर भी पृथ्वी की तरह तमाम गैसें मौजूद थी, लेकिन 3 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मार्स पर जीवन, वायुमंडल में मौजूद गैसें, यहाँ तक कि पानी भी एक पहेली बनकर इतिहास बन गया। आखिर मंगल ग्रह पर ऐसा क्या हुआ? क्यों मंगल के मिनरल से भरी मिट्टी जो जीवन दे सकती थी वो ही विनाशक बन गई? परसेवरेंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि मंगल हमेशा से बंजर नहीं था। करीब 4.6 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर पानी भी मौजूद था। अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह पर जीवन संभव था, लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस से -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और दूसरा ग्रेविटी जो धरती के मुकाबले 30% कम है, और तीसरा है ओजोन लेयर जो अंतरिक्ष से आने वाले यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, चौथा है मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस से आने वाले सोलर स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करती है। मंगल ग्रह पर इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, हालांकि फिर भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंगल पर जीवन मौजूद था। अब लाल ग्रह पर पानी मौजूद था, मतलब वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी रही होगी, और समय के चलते जलवायु परिवर्तन होने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से बाहर निकल गई, या फिर मीथेन में बदलकर मार्स की मिट्टी में दफन हो गई। अगर ये सच है तो मीथेन अभी भी मार्स की मिट्टी में दफन है, और इसका इस्तेमाल हम ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। रिसर्च से ये पता चला है कि स्मैक्टाइट ने मार्स पर जीवन को खत्म कर दिया। जैसे धरती की सरफेस, जिसे हम लिथोस्फीयर के तौर पर जानते हैं, उसे जियोलॉजिकल प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं, और मिट्टी के खनिज स्मैक्टाइट्स जो कार्बन को सोख लेते हैं। स्मैक्टाइट्स मिट्टी के एक खनिज का नाम है जिसे सूजन वाली मिट्टी या मोंट मोरेलो नाइट्स के नाम से जानते हैं, जिसमें इंटरकैलेशन या एक्सफोलिएशन की क्षमता होती है। इस मिट्टी में सोखने का गुण होता है, साथ ही मिट्टी के खनिज सूखने पर मिट्टी सिकुड़ जाती है और गीले होने पर फूल जाती है, जिसके चलते सड़कें, घर और दूसरी संरचनाएं जिनमें दरारें और खिसकने जैसी समस्याएं आ जाती हैं। इसमें मौजूद मिनरल्स अरबों वर्षों तक कार्बन को अपने अंदर समेटकर रख सकते हैं। इसमें टाइट्स टेक्टोनिक प्लेटों में हुई मूवमेंट के कारण तैयार होते हैं। जैसे पूरी धरती टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसी है, इनके गति करने से ही धरती पर भूकंप आते हैं, यानी मार्स पर भी पहले भूकंप आए होंगे जिससे इसमें टाइट्स का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे मंगल की धरती ने कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया, और इसकी सतह पर भी स्मैक्टाइट्स मौजूद है जिसने मार्स के एटमॉस्फेयर को प्रभावित किया। नासा के सीस्मिक वेव सिलेंडर के डेटा के मुताबिक मार्स की मिट्टी में सल्फर ऑक्सीजन मौजूद है, और लगातार भूकंपीय तरंगों के चलते वहां जीवन की संभावनाएं कम हो गई। आपको एक बात और बता दूं, मार्स का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, और मंगल पर पानी भी 4.6 अरब साल पहले मौजूद था, यानी मंगल के निर्माण के दौरान वहां पानी मौजूद था। अल्ट्रामेफिक चट्टानें जो स्मैक्टाइट बनाती हैं, रिसर्च करने से पता चला कि ये चट्टानें पानी से टकराकर स्मैक्टाइट बनाती हैं, और स्मैक्टाइट में कार्बन को संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता होती है, और इसी मिट्टी के चलते इसने वायुमंडल को सोख लिया। और रहा पानी, जो वायुमंडल न होने की वजह से कुछ हिस्सा स्पेस में उड़ गया और कुछ इसकी सरफेस में समा गया, और कहा जाता है कि मार्स पर आज भी पानी के महासागर उसकी सरफेस के अंदर मौजूद है। वेल, वीडियो नॉलेजेबल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।